Everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with MK. I hope guys you all are doing great. So guys, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फॉलोअप क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे कि फॉलोअप क्वेश्चन के ऊपर वीडियो को अपलोड करो. एंड आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी. जो क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ पर्सन हु ड्रेसेस वेल. उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसके फॉलोअप्स आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डू यू थिंक ऑनलाइन शॉपिंग विल रिप्लेस इन स्टोर शॉपिंग इन फ्यूचर. कि ऑनलाइन शॉपिंग ऑफलाइन शॉपिंग को रिप्लेस कर देगी फ्यूचर में. इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी. मैंने क्या बोला कि ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आई डीम दैट ऑनलाइन शॉपिंग विल नेवर रिप्लेस इन स्टोर शॉपिंग बिकॉज ऑफ मल्टीफेरियस रीजन. जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती इन स्टोर शॉपिंग को, क्योंकि इसके पीछे मल्टीफेरियस मीन्स बहुत सारे रीजंस हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन, जो मेन और जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग इंडल्ज डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ रिस्क. ऑनलाइन शॉपिंग में इंडल्ज मीन्स इन्वॉल्व होता है, डिस्पैरेट मीन्स डिफरेंट टाइप का रिस्क, जैसे कि साइज़ का, रॉन्ग प्रोडक्ट एंड मैनी मोर. और भी काफ़ी तरह के रिस्क हमें फेस करने पड़ते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मैनी ग्रे हेयर मासेस. ग्रे हेयर मासेस मीन्स ओल्डर पीपल. ठीक है, ओल्डर पीपल आर अनफैमिलियर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग. और बहुत सारे जो ओल्डर पीपल हैं उनको नहीं पता कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज़ द ओनली मेन रीज़न कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो कभी भी इन स्टोर शॉपिंग को रिप्लेस नहीं कर पाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई इज़ फैशन वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू सम पीपल. कुछ लोगों के लिए फैशन इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है. इसका सैम्पल आंसर शो करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है. सिंगल मॉड्यूल फैसिलिटी भी अवेलेबल है. अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर मैसेज करके मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है. इट्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर मी. मैंने क्या बोला कि ये मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव. लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग, सम इंडिजीनियस आर पैशनेट अबाउट फैशन. कुछ लोग पैशनेट होते हैं फैशन की तरफ बिकॉज दे वॉन्ट टू इन्हांस देयर आउटर अपीयरेंस. क्योंकि वो अपनी आउटर अपीयरेंस को इन्हांस करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं. सो दैट्स वाई वो फैशन का यूज़ करते हैं. एडिशनली सम आर डायड फैन ऑफ फैशन. कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ़ैन होते हैं फैशन के, एज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देयर प्रोफेशन. क्योंकि वो चीज़ उनके प्रोफेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के प्रोफेशन में जो फैशनेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक इंटेग्रल रोल प्ले करते हैं. सो मैंने रीज़न बता दिया कि क्यों कुछ लोगों के लिए फ़ैशन इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, कुछ लोग अपनी लुक को इन्हांस करना चाहते हैं, कुछ लोगों का प्रोफेशन ही ये होता है. ठीक है, आर ओल्डर पीपल एज फैशनेबल एज यंग पीपल. की ओल्डर पीपल ज़्यादा फैशनेबल होते हैं यंग पीपल की तरह. अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग, सीनियर सिटीज़न मीन्स ओल्ड पीपल डू नॉट गिव मच प्रेफरेंस टू फैशन. वो फैशन को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं सिंस दे बिलीव इन सिंप्लिसिटी. क्योंकि वो सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं. दे मोस्टली वेयर सिंपल क्लोथ्स विच प्रोवाइड सॉलेस टू दैम. वो सिंपल क्लोथ्स को वेयर करते हैं जो उनको सॉलेस मीन्स कम्फर्टेबल की फीलिंग प्रोवाइड करते हैं. सो आई थिंक दैट यूथ इज़ मोर क्रेजी टूवर्ड्स फैशन. सो मुझे लगता है कि जो यूथ है वो ज़्यादा क्रेजी होता है फैशन की तरफ, ओल्ड पीपल नहीं होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर वुमेन मोर फैशनेबल दैन मैन. की वुमेन ज़्यादा फैशनेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन. एक्चुअली आई एम इन डायलेमा. डायलेमा मीन कन्फ्यूज़न. मैं कन्फ्यूज़न में हूँ बिकॉज बोथ गिव मच प्रायोरिटी टू फैशनेबल थिंग्स इन दिस मॉडर्न एरा. आजकल का जो मॉडर्न एरा है उसमें दोनों ही जेंडर फैशनेबल प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंस देते हैं. हाउ एवर फीमेल्स आर मोर फैशनेबल दैन मैन. लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा फैशनेबल होती हैं मैन के कंपैरिजन बिकॉज वुमेन ऑलवेज ट्राई टू अमेलियोरेट देयर लुक. क्योंकि वुमेन क्या करती हैं, ऑलवेज ट्राई करती हैं कि अपनी लुक को अमेलियोरेट कर पाए. अमेलियोरेट मतलब इम्प्रूव कर पाए. अलॉन्ग विद द फैशनेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड दैम इनर पीस. और जो फैशनेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनको अंदरूनी खुशी देते हैं. ठीक है, इनर पीस देते हैं. सो येस, वुमेन्स आर मच फैशनेबल. सो वुमेंस हैं वो ज़्यादा फैशनेबल होती हैं। सो गाइस इसमें आपको प्रॉपर वोकैब इडियम सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो इजीली आपके 7+ बैंड स्कोर हैं वो आ जाएंगे। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली अपलोड वीडियोज़ रिगार्डिंग दिस। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग IELTS with MK चैनल।